अहमदाबाद से एक लोडिंग का बात चल रहा है राजकोट का, अगर अहमदाबाद से लोडिंग मिल जाता राजकोट के लिए तो अपने लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम हिसाब लिख रहे हैं, कल रात में खाना खाया तो खाना तो हम लोगों ने नहीं खाया, सिर्फ सब्जी पैक करवाया था। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे खाना लग चुका है, तो आज भाई साहब के यहाँ पे डिनर हो रहा है अपना। तो ये देख सकते हैं भाई कितना भयंकर वाला बारिश चालू हो चुका है। ओ भाई ये क्या हो गया, ये देखो रोड पे गाय चल रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, आराम से पार हो जाएंगी। भाई यार रोड बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है गाड़ी चला के सुबह सुबह। यहाँ पे भी सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए, कैसे हैं? बढ़िया है, चलिए वीडियो। आप कौन से जगह? हम तो वाराणसी से। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा, हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुजरात के अंदर। तो कल हम दोपहर में गुजरात में एंटर कर चुके थे। जब कल दोपहर में गुजरात के अंदर एंटर किए उसके बाद कम से कम हम लोगों ने गुजरात में गाड़ी चलाया है 70 से 80 किलोमीटर। फिर शाम हो गया तो हम लोग एक ढाबा पे गाड़ी को लगा के सो गए थे रात में। तो आज सुबह सुबह हम और पोषण पहले नहा लिए, क्योंकि यार कल रात को नहाए नहीं थे और आज नहाने का व्यवस्था मिल गया तो पहले सुबह सुबह हम लोगों ने नहा लिया। तो चलिए पहले हम और पोषण मिलकर फटाफट गाड़ी को साफ कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी जब साफ रहता है तो चलाने का भी इच्छा करता है। तो पोषण पानी मार देगा और हम अच्छे से रगड़ के बढ़िया साफ कर लेते हैं गाड़ी को। हम लोगों ने सिर्फ गाड़ी को अच्छे से पोंछ के निकला था, लेकिन कल गाड़ी धोए नहीं थे तो आज यहाँ पानी का व्यवस्था है तो गाड़ी को धोना तो बनता है यार, क्योंकि गाड़ी चमकते रहना चाहिए। एक बार हमारा कपड़ा गंदा हो जाए लेकिन गाड़ी में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए भाई। तो भाई गाड़ी का पूरा सफाई हो चुका है कंप्लीट। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रात का भात बचा हुआ था उसको खाने वाले हैं, मतलब कि गीला भात, हम लोग बंगाल में बोलते हैं उसको पांता भात। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो अभी हम जा रहे हैं पांता भात खाने के लिए। मतलब कल हम जिस ढाबा पे रुके थे वहाँ पे ना चावल मतलब रोटी 25 रुपए पीस था, तो इसी वजह से हम लोग पास दाल था तो उनसे हम लोगों ने कल मिक्स वेज बनवा लिया था और अपना चावल घर का बना लिया था जो हम लेके आए थे बनारस से खरीद के। तो चावल बच गया था तो हमने सोचा अगर फेंकने से बढ़िया है कि इसको हम लोग गीला भात बना के खा जाएंगे। तो पोषण तो बोला नहीं खाएंगे, तो हम बोले कि भाई पानी डाल के रख दो हम खा जाएंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है। और घर पे रहते तो इसके बाद आलू चोखा बना लिए होते, तो अभी हमें तो यहाँ पे खाली मिर्चा से इसको भिड़ा जाएंगे। तो भाई खाने में जो टेस्टी रहता है ना मज़ा आ जाता है। तो खाने जा रहे हैं हम लोग पांता भात। बाकी आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉमेंट करके बता रहे, इसको खाने से पेट भी ठंडा रहता है। तो भाई खा के एकदम मजा आ गया। अब बता रहे आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही खा लिया हम यार। मतलब एक तरफ आप चिकन मटन सब कुछ हमारे सामने सरिया के रख दो और एक तरफ सिर्फ पांता भात रख दो, तो भाई इसी से हम जी लेंगे अपना जिंदगी। कुछ नहीं चाहिए, बस आलू चोखा इसके साथ मिल जाए तो और मजा आ जाता। लोग यहाँ से निकल चुके हैं और भाई एक चीज आप लोग को यही बोलना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो मेरा आपको कंटिन्यू देखना है चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको टाइम से पहुंच सके। साथ साथ में एक प्यारा सा कमेंट एंड वीडियो को लाइक भी कर देना है। जस्ट अभी सफर कंटिन्यू करने वाले थे, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भाई मिल गया। कैसे आप लोग, क्या नाम है आप लोग? और आपका? सुनील। सुनील आप लोग गुजरात से ही हो? हाँ, अच्छा लोकल इधर से ही हो। हाँ, चलो भाई सुनील और सरदार भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो भाई तो अभी हम लोग गाइस अहमदाबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, ये देखो रोड पे गाय चल रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, आराम से पार हो जाएंगी। ये नहाया धोया सुबह का है, तेल लगा रहा है अभी। नहाने के बाद गाड़ी साफ की है, उसके बाद गाड़ी में पीछे पूरा बिस्तर उस्तर लगा था, सब हटाए बढ़ाए, टाइम ही नहीं मिल पाया तेल लगाने का, तो अब जाके ये तेल लगा रहा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यार रोड बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है गाड़ी चला के सुबह सुबह। और अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, हम लोग एक्चुअली लेट हो गया निकलने में। गाड़ी का सफाई किया हमने, पांता भात खाया और गाड़ी में हवा चेक किया, मोबाइल चेक किया, थोड़ा सा टाइम हो ही गया निकलने में, मतलब थोड़ा लेट हो गया। तो अभी हम हिसाब लिख रहे हैं, कल रात में खाना खाया तो खाना तो हम लोगों ने नहीं खाया, सिर्फ सब्जी पैक करवाया था। तो हम लोग का तेल का खाने का जो भी खर्चा रहता है पूरा इसमें लिखा रहता है, तो पूरा खर्चा हम इसमें लिख के रखते हैं ताकि हम लोग को लास्ट में पता चल सके कि हम लोग का टूर में कितना खर्चा आया। ये रहा भाई राजस्थान, राजस्थान का गाड़ी।
अभी क्या है कि अहमदाबाद से एक लोडिंग का बात चल रहा है राजकोट का। अगर अहमदाबाद से लोडिंग मिल जाता है राजकोट के लिए तो अपने लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कम से कम 10 से 8 हज़ार रुपये भाड़ा बन जाएगा। अब देखते हैं फिर वहाँ से द्वारका के लिए कुछ बन जाएगा तो फिर द्वारका के लिए भी हम लोग लोड कर लेंगे। गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा के थोड़ा ट्रांसपोर्टर से बात कर लेते हैं, जो अहमदाबाद से लोडिंग था, कल बात हुआ था उनसे, लेकिन बोला था कि उन्होंने सुबह एक बार कॉल कर लीजिएगा। तो अभी ट्रांसपोर्टर साहब को कॉल किए हैं तो भैया अभी उठाए नहीं, लगता है सुबह का टाइम है, अभी कॉल उठा नहीं रहे भैया। कोई बात नहीं, कॉल नहीं उठाया, हम लोग अपना सफर को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। वो सर अभी अहमदाबाद कितना किलोमीटर दिखा रहा है भाई? 107 किलोमीटर। तो भाई 107 किलोमीटर बचा हुआ है अहमदाबाद। अभी इंग्लिश देख रहे हो लौंडे का, 107 किलोमीटर। क्या भाई अंग्रेजी गजब यार, निकल गया मुझसे। अच्छा मुंह से निकल गया। यहाँ पे लगता है भाई पत्थर का फैक्ट्री है, मतलब पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो हाँ है लगता नहीं है, तो पूरा देखो धूल हो चुका है, ये देखो पूरा धूल है। तो अभी सेवाले चेक पोस्ट पे रुके हुए थे और ओदरा जगह का नाम है, ये ओदरा बॉर्डर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दारू का गाड़ी का चेकिंग करवा रहे थे, तो काफी अच्छे हैं यहाँ के लोग, अच्छे से चेकिंग वगैरह कर लिए। चेकिंग वेकिंग करने के बाद गाड़ी को छोड़ दिए, और यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई जो कि मेरे गाड़ी का वीडियो बना रहे, कैसे हो भाई? आ जाओ इधर आ जाओ। बढ़िया बस बढ़िया भाई। अच्छा यहाँ पे ऐसी दारू का चेकिंग डेली होता है? हाँ रेगुलर होता है, गुजरात बॉर्डर सही है यहाँ का पुलिस यार, बहुत अच्छे से चेकिंग करके छोड़ देता है। अच्छा इस पास एक भी रुपया अभी तक लगा नहीं कहीं पे खर्चा मेरा गुजरात का। सही है यार। चलो मिलते हैं भैया। ओके भाई ठीक है। जिस हाईवे पे हम चल रहे थे उस हाईवे को छोड़ के अभी अहमदाबाद हाईवे पे हम चढ़ चुके हैं। तो ये अहमदाबाद हाईवे पे जाके मिला देता है, ये हाईवे नहीं है, एक छोटा सा रोड है, गाँव का रोड कह सकते हैं। तो पीछे अभी हमको पुलिस वालों ने पकड़ा था, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने बताया कि आप जो ये यहाँ पे बम्पर पर लाइट लगा के रखे हैं इस पर भी चलान है, और प्लस में इस पर भी चलान है, ये जो आप ये बनवा के रखे हैं इस पर भी चलान है, और सामने जो कैरियर है इस पर भी आप चलान है हुड पे, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ पे चलान होने वाला था। तो शुक्र है भगवान का कि हमारे वहाँ पे सब्सक्राइबर भैया आ गए जो पुलिस में है आके, उन्होंने बताया कि इनको पता नहीं है ये बाहर से आए हुए हैं, तो मेरा गाड़ी छोड़ दिया गया वहाँ पे, कोई भी मेरा चलान नहीं कटा। तो गुजरात के पुलिस तो बहुत अच्छे हैं, मेरा मतलब बात तो समझ रहे थे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भाई एक सैल्यूट तो बनता है गुजरात पुलिस भाई। कानून के हिसाब से तो ये अपना जो हुड लगा है ना, हुड पे हुड चढ़ाना पड़ता है आरसी पे आईटीओ से जाके, और बाकी ये साइड में कोई बम्पर आप नहीं लगवा सकते, कानून कहता है। लेकिन अब लगा हुआ है, अपने उधर कोई गाड़ी नहीं पकड़ता है, तो हम लोगों ने भी लगा के छोड़ दिया, चलो यार देखने भी अच्छा लगता है, और यहाँ पे श्री राम जी लिखा, उधर श्री लिखा, उधर राम जी लिखा हुआ है, तो देखने भी अच्छा लगता है, तो गाड़ी का शो बढ़ जाता है। अब हम लोगों को क्या पता है कि भाई इसकी वजह से चलान भी हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ चलान वलान कटा नहीं अपना, तो उन्होंने मेरे बात को समझा और मेरा गाड़ी छोड़ दिया गया। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई भी आ गए, क्या हाल चाल है ब्रो? बढ़िया सा है, मैं भी देख के आया आपकी। इधर ही से आप? गुजरात? गुजरात से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई थैंक यू यार, वेलकम। और भाई मेरा अभी वीडियो भी देख रहे थे कुछ देर पहले ही, और हमसे मुलाकात भी हो गया क्या? चलो भाई थैंक यू। यहाँ पे एक भाई और मिल गए गुजरात से, काफी आप लोगों को कमेंट भी आता है, क्या नाम भैया आपका? जय शर्मा। अच्छा जय शर्मा, चलिए मिलके अच्छा लगा जय शर्मा भैया। चलो घर पे आना है तो? नहीं नहीं घर पे नहीं भैया, बहुत प्यार मिल रहा है गुजरात से आप लोगों का, ठीक है? जो भी मिल रहा है सब बोला चाय पानी। काम हो तो बोलो। नहीं नहीं कोई काम नहीं, आराम से निकलेंगे हम लोग द्वारका के लिए, ठीक है? चलिए बाय। तो गाड़ी को साइड में लगा के अभी हम लोग जा रहे हैं भुजिया लेने के लिए। तो यहाँ पे काफी सारा आइटम मिल जाता है गुजरात के अंदर में, बहुत लोग भुजिया को पसंद भी करते हैं। तो अभी ये कौन सा आलू वाला निकाल रहे हैं ना? आलू वाला है। तो आलू वाला मिल जाएगा, पालक वाला मिल जाएगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा चीज है? पत्थर वैली। क्या चीज का बनता है? बेसन का। क्या चीज का बनता है? बेसन का आएगा, बेसन का बनता है। अच्छा और ये तो पता ही होगा सबको कि ढोकला है और ये जलेबी है। तो यहाँ पे देखो काफी नमकीन वमकीन पसंद करते हैं लोग, तो पूरा बना के रखा गया है। तो हम भी ये वाला लेंगे और मिर्चा वाला लेंगे और पालक वाला लेंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए गरम गरम बनाया जा रहा है पकोड़ा, वो भी पालक वाला। पालक वाला है ना? हाँ पालक वाला। तो आलू भुजिया पैक करा के लेके चले आए हैं भाई। ये आइटम अपने बनारस से मिल जाता है, लेकिन टेस्ट का फर्क होता है, हर जगह का टेस्ट अलग अलग है। ये अगर हम राजस्थान में खाए तो इसका टेस्ट कुछ अलग मिलता है, गुजरात में खा रहे इसका टेस्ट अलग मिल रहा है। पसंद कैसा लग रहा है भाई खा के? बहुत बढ़िया है, अपने उधर से थोड़ा सा अलग टेस्ट है ना, पालक वाला तो और मस्त लग रहा है। चलो तो पता नहीं भाई ये कौन सा जगह है, कहाँ पहुँच गए, जगह का नाम तो नहीं पता यहाँ पे, बट ये है कि यहाँ पे गेट बना हुआ है ये वाला, और गुजराती भाषा में लिखा है तो समझ में भी नहीं आ रहा है गाइस। ये चौराहे से डहने आए रास्ता दिखा रहा था, इधर हम लोग घूम गए। ये देखो अपना यहाँ पे लोकेशन लगा हुआ है द्वारका के लिए, और ये शायद गंगा नदी था तो पूरा सूख चुका है, और यहाँ से शायद धार बांध निकलता भी होगा, देख सकते हैं पूरा सूखा हुआ नदी है। हम लोग
तो ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये भी बड़ौदा निकलता है यहाँ से बड़ौदा पड़ता है 85 किलोमीटर, लेकिन अपना जो लोकेशन है वो दिखा रहा है एकदम स्ट्रेट जाना है हम लोगों को। तो बड़ौदा हाईवे के नीचे रुक चुके हैं क्योंकि हमारे एक भाई ने मुझे आवाज़ दिया, बोला कि मीडियम भाई, तो हम भी गाड़ी लेकर साइड में लगा दिए। भाई अपना टैंकर वहाँ पे खड़ा करके आराम से मिलने के लिए। थैंक यू भाई, क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ से? ये गोधरा से। अच्छा, गोधरा से। इधर द्वारका से, रिलायंस से चलता हूँ। अच्छा, रिलायंस कंपनी से। हाँ, रिलायंस। वो क्या बोलते हैं, नाम क्या है? हावड़ी, जामनगर। जामनगर, जामनगर से आ रहे हैं आप? जामनगर से आ रहे हैं। अच्छा, जामनगर में तो केमिकल वाला है ना सर? केमिकल वाला है। केमिकल ही लोड है आपने? डीजल है। डीजल है, डीजल। अभी भाई ने रोक लिया, बोला कि बादाम शेक पी के जाना पड़ेगा आपको, तो अभी सबके साथ यहाँ पे हम लोग बादाम शेक पीने वाले हैं। पियो 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 पियो, कोई दिक्कत नहीं, पियो पियो। धन्यवाद, चलिए चलते हैं। ठीक है, ओके भाई, आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ, वापस काली करके। ओके भाई, तो ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये बड़ौदा तो जाता ही है और इस साइड जाता है अहमदाबाद। तो हम लोग समझ लो कि अहमदाबाद को क्रॉस करके अब आगे निकल। यहाँ पे भी सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए, कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए वीडियो। आप कौन सी जगह से भैया? हम तो वाराणसी से। यूपी? मैं बरेली। अच्छा, बरेली। चलिए कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू भाई। वैसे ही लोग मिलते रहते हैं रास्ते में, सफ़र अपना काटता रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है कि लोग मिलते रहते हैं, पूछते हैं बीडीएम भाई चाय पानी करेंगे कि नहीं। तो अभी एक भाई ने मिला वहाँ पे, तो बादाम शेक पिलाया। वैसे तो भाई किसी के पैसे का हम खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप लोग ज़बरदस्ती लेके जाते हैं कि नहीं भाई आइए पीजिए, हम पिला रहे हैं, तो आप लोग का दिल नहीं तोड़ना चाहते आप, नहीं तो नहीं जल्दी हम खाना चाहते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, हम सोचे यार पेड़ के नीचे गाड़ी थोड़ा सा लगा कर रेस्ट करते हैं 10 मिनट, उसके बाद जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा अच्छा होता। अब देखने में पूरा मट्टी लग रहा है, बालू लगे नहीं रहा, लेकिन ये बालू था, हम घुस गए तो फंस गए इसमें बहुत ज़बरदस्त, पूरा चक्का फंस गया मेरा। तो देख सकते हैं पिछला चक्का और अगला चक्का भी फंस गया है। जाओ धीरे धीरे बैक जाओ, जाओ। जाओ आराम से जाओ, तो भाई निकलना मुश्किल है। तो फाइनली हम लोग का गाड़ी निकल चुका है, थोड़ा तकलीफ हुआ लेकिन गाड़ी निकल गया। अभी हम लोग फिर से एक दूसरे हाईवे पे चढ़ चुके हैं और इस हाईवे का नाम है राजकोट अहमदाबाद हाईवे, ये देख सकते हैं भाई। इतना सारा हाईवे बन चुका है अपने इंडिया के अंदर में, इतना सारा हाईवे बन चुका है, मतलब एक हाईवे से उतर रहे हैं, थोड़ा देर चल रहे हैं, फिर दूसरा हाईवे पे चढ़ना पड़ जा रहा है, फिर उतर रहे हैं, तीसरा हाईवे पे चढ़ना पड़ जा रहा है, बीच बीच में कई सारे एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि यार क्या काम हुआ है, तो भाई निकलोगे घर से बाहर तो वही काम का पता चलेगा कि अपने देश के अंदर क्या काम हुआ है। तो देख लो भाई इतना सारा काम ही काम दिख रहा है। हम लोग तो भाई जाते रहते हैं बहुत दूर दूर, हम लोगों को रोड अच्छा मिला है, इतना इसके लिए भाई धन्यवाद करते हैं सरकार को। भले टोल टैक्स लग रहा है लेकिन रोड काफ़ी अच्छा बना के दिया गया है। भाई रोड अच्छा रहेगा तो गाड़ी मेंटेनेंस भी अपना सही रहेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहेगा, और बस गियर लगाओ गाड़ी भगाते रहो। अभी हम मगोदरा पहुँच चुके हैं और मगोदरा में एकदम ताज़ा ताज़ा खजूर मिल रहा था। हाँ, बगोदरा बगोदरा पहुँचे तो यहाँ पर ताज़ा ताज़ा खजूर मिल रहा था, देख सकते हैं एकदम, और इतना ताज़ा है कि हमने भी आधा किलो अपने लिए पैक करवा लिया। तो ये अपना आधा किलो कैसे के जी अंकल दिया? 160 रुपये के जी, 80 रुपये का मैंने आधा किलो लिया, एकदम चीनी का सब मीठा है भाई एकदम खाने में, ये देख सकते हैं। तो ये लोकल गुजरात का ही होता है कि बाहर से आता है? कहाँ से? कछमा। तो कच्छ, अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं भाई। तो ऐसा खजूर भाई मैंने भी पहली बार देखा है, तो हमने सोचा ले लेते हैं, और खाने में एकदम एक नंबर का चीनी के सा मीठा है। ये हमारे हाथ में खजूर है, देख सकते हैं भाई, ऐसा खजूर किसी ने इसके पहले अगर खाया तो कमेंट करके बताओ। अच्छा, ये खजूर कैसा है काटने के बाद? आप लोग पहले देखो अंदर से, आप लोगों को लगे कच्चा है, ठीक है, कच्चा समझने का भूल एकदम मत करना भाई, एकदम चीनी के सा मीठा है, ऐसा लगेगा आपको कोई चीनी इसमें मिला के अलग से दिया गया है। तो ये हमको लग रहा है कुछ अलग वैरायटी का खजूर है। सब्सक्राइबर भैया मिल गए, एक्चुअली पुल के नीचे गाड़ी को लगाया तो रेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इतना गर्मी लग रहा है आज कि मतलब हालत ख़राब हो जा रहा है मेरा। तो इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि हम और पोजन डिसाइड के थोड़ा सा पुल के नीचे रुकते हैं, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। क्या नाम भैया आपका? हसमुख भाई। तो भैया का भी गाड़ी यहाँ पे बगल में लगा हुआ है और नींबू भरे हैं भाई गाड़ी में, ठीक है, चलिए भैया आराम से। ओके, तो भाई साहब की गाड़ी में लोडिंग था खीरा और नींबू, तो भैया ने यहाँ पे खीरा भी दिया खाने के लिए और नींबू इधर दिया। पोजन का तबीयत ख़राब है तो बोला पोषण को शरबत बना के पिलाने के लिए। देख रहे हो पोषण, तुम्हारे सुख चिंतक कितने लोग हैं मार्केट के अंदर।
तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा हो लिए पुल के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग निकलने वाले थे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई आके मिलने के लिए। कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया। और भैया ने मुझे मेल भी किया था मिलने के लिए कि भाई गुजरात में कहाँ पे आ रहे हो। तो देखो संजोग की भाई साहब से मुलाकात भी हो गया, हमने मेल चेक किया था गाइस, लेकिन यार हम सबका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं क्योंकि गाड़ी भी चलाना होता है, वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है। भाई निकल रहे थे फिर से एक भाई आके मिलने के लिए, क्या नाम भैया आपका? विजय भाई। विजय भाई, अब मेरे वीडियो भी तुरंत देख ही रहे थे क्या? अभी देख रहा था, अभी साइड में सोया था वहाँ पे देख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम लोग सुजल भाई के होटल में आ चुके हैं खाना खाने के लिए। एक्चुअली पुल के नीचे भाई से मुलाकात हुआ और भाई ने बोला कि भाई आपका सब्सक्राइबर हम है और चलिए हमारे होटल पे, आपका वेलकम है, थोड़ा बहुत कुछ खा के जाइए लेकिन चलिए। तो भाई ने बोला कि टोल क्रॉस करके आगे पे आइए मिल लेंगे। तो ये हाईवे है, ये कौन सा हाईवे भाई? अहमदाबाद हाईवे। अच्छा, अहमदाबाद राजकोट हाईवे। हाँ, तो यहीं पे रुके हैं, थोड़ा बहुत दाल चावल खाएंगे, उसके बाद फिर सफर कंटिन्यू करते हैं। दोपहर का टाइम है, भूख तो लगा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे खाना लग चुका है, तो आज भाई साहब के यहाँ पे डिनर हो रहा है अपना, ठीक है? डिनर नहीं, लंच हो रहा है, ठीक है? तो ये अपना चावल और ये रोटी मक्खन वाली, और यहाँ पे क्या क्या भाई आप ही बता दो यार। सेव टमाटर, रायता, सूखा चोली और मिक्स सब्जी। अच्छा, और भाई सेव टमाटर भी हम फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं यहाँ पे, ये सेव टमाटर। और पोषण भी अभी खाएगा यहाँ पे, ये क्या दाल है? दाल है। अच्छा, दाल है। और यहाँ पे सलाद का भी व्यवस्था किया गया है और इसमें पापड़ है। अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं, इसलिए यार सब कुछ। और ये देखो पूरा एकदम एक लोटा भर के, लोटा नहीं क्या बोलते इसको आप यहाँ पे? इधर गुजरात में पवाली बोला जाता है। अच्छा पवाली, ये पूरा पवाली भर के इसमें क्या छाछ, छाछ छाछ है। तो चलो हम लोग अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। अब ये मतलब गुजराती खाना है, गुजरात के लोग ये बहुत पसंद करते हैं ना। तो भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गुजराती खाना, सेव भाजी, सेव टमाटर मुझे बहुत अच्छा लगा और बाकी ये सब भी बहुत टेस्टी है, लेकिन दाल में थोड़ा सा मीठा स्वाद है, तो यहाँ के लोग थोड़ा मीठा स्वाद दाल ही पसंद करते हैं ना। हमें काफ़ी अच्छा लगा भाई, कैसा लग रहा पोषण? बढ़िया। तो चलो गुजराती थाली भी अब खाई ली आज हम। तो फाइनली अपना खाना पीना हो चुका है, और किसी को यार गुजराती थाली खाना तो भाई के ढाबा पे एक बार आ जाना। कहाँ पे लोकेशन बता दो अपना यार? मैं बगोदरा टोल टैक्स पार करोगे, उसके बाद वेवी होटल के आगे जस्ट आएगा गोपाल होटल। अच्छा गोपाल होटल, तो एक बार आके ट्राई करना भाई, एकदम घर के ऐसा खाना लगा मुझे, मस्त मज़ा आ गया। सामने रिलायंस का पंप है, उसके सामने एग्जिट, चलो नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, अचानक से यहाँ पे मौसम भी चेंज हो चुका है, एक बार आप लोगों को पीछे घूम के दिखाते हैं। ये चेक करें भाई, भाई बारिश के बिना 3-4 दिन से तरस रहे थे, और अभी हम लोग को टेंशन नहीं ज़्यादा है क्योंकि अपना तिरपाल पीछे लगा हुआ है तो सामान भी भीगेगा नहीं अपना। और ये देखो बारिश, बारिश लग रहा। तो भाई इतना खतरनाक वाला आंधी तूफान आ चुका है, क्या ही बताएं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओ भाई पूरा बारिश हो रहा है यहाँ पे यार, ये देखो। थोड़ा देर के लिए शीशा को नीचे करके कैमरा बाहर करते हैं ताकि आप लोग फील कर पाए कैसा यहाँ पे अभी माहौल है। तो ये देख सकते हैं भाई कितना भयंकर वाला बारिश चालू हो चुका है। आज हम लोग सोचे थे कि जामनगर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा माहौल देख के कहीं का नहीं लग रहा है कि जामनगर पहुंच पाएंगे। तो अभी लग रहा है मौसम साफ हो चुका है गाइस, इधर तो अभी बारिश नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग गुजरात में तेल अपना टंकी फुल करवा रहे हैं गाड़ी का, ठीक है? एक्चुअली अभी फर्स्ट टाइम अपना गुजरात में टंकी फुल हो रहा है, पहला दिन। टोटल बनारस से आने में अभी तक यहाँ तक 2 टंकी अपना तेल ख़त्म हो चुका है। तो गुजरात में तेल का जो रेट है 90 रुपया 85 पैसा, दूरी के हिसाब से ये पैसा बढ़ सकता है, रुपया नहीं बढ़ेगा, मान के चलो ये 1 रुपया नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है 85 पैसा से घट के, ठीक है? तो चलो यहाँ टंकी फुल करवाते हैं। अभी हम पेट्रोल पंप से तेल भरवा के निकले तो हमारे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर भैया मिल गए जो कि अभी सेवा कर रहे हैं हमारा गुजरात में। अच्छा गुजरात के लोग काफ़ी प्यारे हैं यार, मतलब जब से मिल रहे हैं भाई ये खा लो भाई, पानी पी लो। अभी पीछे देखा भाई के होटल में खाना खा के आया, होटल पे आया रहते रास्ते में और भाई मिले, भाई मेरे घर चलो खाना खाने के लिए। भाई यहाँ पे चाय मंगा दिया, थैंक यू भाई। क्या नाम है आप लोगों का? अपना नाम विक्रम भाई। अच्छा, और आपका भाई? यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भाई जो कि वीडियो कॉलिंग से हो रहा है बात है। कैसे हो आप? बढ़िया हो? अच्छा अच्छा, ये उनका भाई भाई साहब है। तो चलिए अभी एक और भाई मिल गए गुजरात में, कैसे हैं भाई? बढ़िया। क्या नाम है?
बिल्कुल। अच्छा, और भाई का गाड़ी देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है ना, मस्त चलता है ना, मैक्स सही है, लेकिन काफी मेंटेनेंस करके भाई गाड़ी रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। वो दूसरे वो केबिन का वो सब कुछ काम करवाया। अच्छा, काम करवाया है। चलो ठीक है भाई, ओके। तो भाई ये चेक कर सकते हैं आप लोग, गुजरात में दादाजी चला रहे हैं बाइक के। भाई शाम का 7:30 बज चुका है और हम लोग राजकोट पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जामनगर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आधा घंटा गाड़ी और चलाएंगे, आज हम लोग जामनगर तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो देखते हैं, आधा घंटा गाड़ी चला के रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से गाड़ी भी चला रहे हैं, बहुत गर्मी भी था आज, तो वीडियो भी एडिटिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो इसीलिए अभी आधा घंटा गाड़ी चला के रेस्ट करेंगे। राजकोट में हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। और आप कैसे हैं? बढ़िया। और भाई का ट्रक भी तो पीछे खड़ा है भाई, थोड़ा कैमरा में ट्रक दिखा दो अपना यार। ये बालाजी का ट्रक है। तो ये भाई का ट्रक जो कि भाई ने खुद अपने हाथों से दिखा दिया। और भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जेडी है। और आपका? दिनेश भैया। अच्छा अच्छा, चलो भाई बहुत बढ़िया लगा। उमरबन। और आप तो यहीं से है ना? राजकोट। चलो ठीक है भाई। तो अभी भाई लोग जबरदस्ती करके चाय पिलाने के लेके चले आए यहाँ पे। और राजकोट का माहौल यार आज का काफी अच्छा है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो यहाँ पे चाय एक्चुअली पीते हैं, देखो प्लेट में, ठीक है, ये वाली प्लेट में चाय हमें मिला था पीने के लिए, हमने तो पी लिया, बाकी आपकी इच्छा आप इसमें ही पी सकते हैं। बाकी ये अपना प्लेट है, इसी में हमने चाय भी पिया जस्ट, तो काफ़ी अच्छा लगा। पोषण चाय कैसा बताओ भाई? चाय भाई एक नंबर बना। चीनी भी कम है और कड़कदार है ना, मज़ा आ गया भाई। गजब का है राजकोट सिटी यार, मतलब तो फिर से हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर भैया मिल गए, बोले बीडीएम भाई आपको बिना चाय पी हम जाने नहीं देंगे। इधर भाई साहब देखो, खुद भी कटोरी पकड़े हुए और हमें भी पकड़ा दिया चाय का प्याला। पहले के मूवी में देखा होगा एक चाय का प्याला लेके आओ, तो वही वाला सिस्टम है। तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ऐसे हिल रहा है यार। या, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कज्जूमन। कज्जूमन, आप यहीं के लोकल हैं? चलिए कज्जूमन भाई ने फिर से चाय पिला दिया, अभी जस्ट देखा होगा चाय पी के हम आ रहे थे, लेकिन मना नहीं कर पा रहे, क्या बताए। तो चलिए भैया चलते हैं, ठीक है, टाटा। और आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, और भैया भी बोल रहे थे कि चलिए घर पे खाना पीना खिलाते हैं। हम बोले भाई कितना खाना खाएंगे, कितना चाय पियेंगे। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया चाय के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, राजकोट फाइनली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।